इस्तेमाल किया वो आपने दिखाया नहीं। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, मुख्यमंत्री है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी अवमानना नहीं होने चाहिए, सही बात है, लेकिन लॉ में और प्रावधान है कि नहीं, नंबर एक सवाल। और नंबर दो सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि आज तक जो दूसरों को हिटलर बुलाते आए हैं क्या वो खुद हिटलर नहीं बन गए? किस तरह से, मतलब आप क्या चाहती हैं कि वो जो नवनीत को राणा संसद में खड़ी होकर के आज तक प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का विरोध करती रही, आज ऐसा कौन सा उनको इंजेक्शन लगा, कौन सा उनका अंदर ऐसी अंतरात्मा उनकी जागी कि हनुमान चालीसा करेगी? वो भी तो जागी है ना, जिस तरह से होती नहीं है, आपकी भी तो अंतरात्मा जागी है ना, तीन साल पहले तक अंतरात्मा वो जगी नहीं है, वो बीजेपी ने कोई चश्मा पहनाया है उनको, ये शहजाद पूनेवाला जी ने, कमाल है। आप दूसरों से सवाल पूछते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए, ऐसा क्या बदल गया कि बाल ठाकरे साहब क्या क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, आज आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आपकी अपनी अंतरात्मा से जो पूछ लीजिए वही सवाल का जवाब नवनीत राणा का भी होगा। देखिए, जिन भी मुद्दों पर बाला साहब थे, आज भी शिवसेना उन्हीं मुद्दों पर है, आज भी शिवसेना प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ खड़ी है, आज भी शिवसेना धारा 370 के साथ खड़ी है, आज भी सीए के साथ खड़ी है। नंबर के आधार पर सरकार बनाने से पार्टियों की अपनी विचारधारा नहीं बदलती, बीजेपी ना जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टियों से 90 से ही के लिए नंबर के आधार पर सरकार बनाती रही है, तो कैसे बीजेपी ने अपनी विचारधारा को त्यागा? लेकिन सिर्फ शिवसेना ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 30 साल किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, इसलिए शिवसेना के बारे में संजय गुप्ता, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपकी तो अंतरात्मा मर चुकी है। जो आज वीर सावरकर जी को गालियां देते, केरला में उन पर प्रतिबंध लगाते कांग्रेस पार्टी के लोग, आज उनके साथ आप बैठे हुए। सर मैं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, संजय गुप्ता आपने लगातार बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, नाविका ऑडियंस का संजय गुप्ता जी सत्ता भोगने के लिए जो हनुमान को त्याग सकते हैं वो तो बीजेपी को त्याग ही सकते हैं। आप शहजाद की भी बात सुन ले, देश में डेमोक्रेसी तो चली रही है, आत्मा इस प्रकार से मर चुकी है कि जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिन्होंने राम मंदिर को 70 वर्ष तक लटकाया अटकाया भटकाया, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची, जिन्होंने वीर सावरकर को अपमानित किया, आज उनके साथ सत्ता का भोग ले रहे हैं और आज कह रहे हैं टीपू सुल्तान महान है परंतु सावरकर जी को गालियां दे रहे हैं, तो ये तो इनकी अंतरात्मा मर चुकी है पूरी तरह से। पर ये सवाल नहीं है, आज सवाल ये है, देखिए एक सेकंड प्लीज संजय गुप्ता जी, आप अपने समय पर भी बोलते हो, आप दूसरों के समय पर भी बोलते हो, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है भाई, मुद्दे पर प्लीज आप दूसरों की बातें भी सुन लिया करो। देखिए आज सवाल सिर्फ इतना है कि आज अगर लेंगे आपसे किस दिन क्लास ले लेते हैं आपसे, पहले तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र या मुख्यमंत्री भारत नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करना इस देश में कोई आज कोई अलोकतांत्रिक या गैर संविधानिक या गैर कानूनी नहीं बन चुका है, तो क्या आपका तो इतिहास शिवसेना का पूरा इतिहास प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन से पैदा हुआ है, यह शिवसेना का इतिहास है, और आज वो शिवसेना केवल एक हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर सेडिशन केस लगाती है और जायज चढ़ाती है। और मैं आपसे पूछता हूं कि एक पीएफआई के मतीन शेखानी ने बीच सड़कों पर कहा कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, उस पर सेडिशन केस नहीं लगा, सार्वजनिक जगहों पर नमाज अता की जाती है उस पर सेडिशन तो छोड़िए, उन पर तो 144 वायलेट करने का केस नहीं लगता है, लाउडस्पीकर किसी एक मजहब का बचता जाता है परंतु आप हनुमान चालीसा पर केस लगा देते हैं, ये आपके दौरे मापदंड है, आपका तो सियासी धर्मांतरण हो चुका है, आपका कुछ नहीं हो सकेगा, सेडिशन तो अलग मामला है, आप तो 420 ही कर रहे हैं, ये तो 124 एक का मामला है, आप 420 लगाते हैं सब पे।